गाइज आप लोगों ने बहुत सारे ओपी ओपी सर्वाइव देखा है, लेकिन अभी जो मैं आपको सर्वाइव दिखाऊंगा वो देखकर आप भी शॉक हो जाओगे एंड आपको रैंक पुशिंग करने में मजा भी आएगा। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ पे देखो मैं कहाँ पे उतर रहा हूँ, सीपीआर की इस जगह पे, ठीक है। आप इस जगह पे मैं जैसे उतरता हूँ यहाँ पे मुझे एक गाड़ी मिलता है, ठीक है। ये गाड़ी कौन सा आपको पता है ये कमेंट बताओ, इसका गाड़ी का नाम क्या है, ठीक है। अब मैं यहाँ से जाऊंगा, आपको ये गाड़ी को लेके आना, ये पीक का ये नीचे वाला इस जगह, ठीक है। इस जगह का नाम क्या, ठीक है, यहां पे आओ, ठीक है। अब यहां से गाइस आपको जंप करवाना गाड़ी ऐसे, ठीक है, थोड़ा सा मुड़ जाएगा, लेकिन यहां की साइड से कोनों का साइड से आपको ले जाना गाइस, ठीक है। अब यहां से ट्रिक शुरू होती है गाइस, ठीक है। ये ट्रिक तो गौर से देखना मैं क्या कर रहा हूं गाड़ी को गाइस, ठीक है। अब ये गाड़ी को हमको करवाना क्या है, आप यहां पे देखो ये गाड़ी को यहां से ना जंप करवाना गाइस, ठीक है। जंप करवाना है लेकिन स्लो जंप गाइस, ठीक है। स्लो जंप मैंने जैसे करवाया गाइस, ठीक है। अब देखो मैंने पहले बैठ गया यहां पे गाइस, ठीक है, लेकिन यहां पे देखो ये गाड़ी को ना पीछे से ठोक रहा है गाइस, ठीक है। आप लोग देखा गाइस वो बंदा ने मेरा गाड़ी का ठोका, आपका टीममेट अगर वो गाड़ी का ठोकेगा आप ऐसे गिर जाओगे, ठीक है। बहुत ओपी ट्रिक है, इसलिए बंदा वगैरह को पता भी नहीं चलेगा कि ये बंदा यहाँ पे सर्वाइव भी कर सकता है, ठीक है। तो फॉलो करो ये ट्रिक, अच्छा लगा ना। ऐसा और भी ट्रिक है, लेकिन लास्ट सीजन मैंने बहुत सारे बंदे को ग्रैंड मास्टर एंड मास्टर पहुंचाया था, बट ये सीजन में नए नए रैंक पुशिंग ट्रिक्स आई है जिससे आप ओपी तरह से मास्टर के लिए पुश कर सकते हो। बट क्या आपने ये सोचा है राठी भाई, नल्ला यश भाई एंड बेटू भाई जैसे बंदे ही टॉप पे क्यों बैठा रहता है? इसका जवाब है वो लोग हम जैसे क्लॉक टावर पीक जैसे जगह पे उतर के नहीं खेलते, क्योंकि उनका एक ही मोटिव है, वो है सर्वाइव। सर्वाइव सर्वाइव रहेगा तो किल प्लस बुया सब मिलेगा। और देखना गाइस मैं लिख के देता हूं जल्दी ही अपना बेटू आईटी टॉप 3 पोजीशन पे ले लेगा, ठीक है। बाकी मेरे पास खूब सारे ट्रिक्स है रैंक पुशिंग का, इसलिए एक-एक लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो गाइस। फ्री फायर का बरमूडा मैप एंड परगेटरी मैप कलहारी मैप से बहुत अलग है, क्योंकि ये सारे मैप में आपको ऑब्जेक्ट्स बिल्डिंग घर वगैरह बहुत कम ही देखने को मिलता है रेदर देन कलहारी मैप। तो स्केयरक्रो इससे तू हमें ये क्या मतलब है, हमें कुछ मतलब नहीं है, मतलब है भाई क्योंकि ये सब मैप में आपको ओपन एरिया की मैप फाइट ज्यादा होती है, जिस वजह से आप खुद सोचो क्या आप इस ग्राउंड के बीच में बैठ के चारों तरफ के बंदा मार पाओगे, नहीं ना, है कि नहीं। तो वही इसलिए हम यूज करेंगे क्रॉस ग्लू वॉल। लाइक यहां देखो गाइस, जब मैं पीक में आया तो मुझे चारों तरफ से बंदा मार रहा था, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहां पे ग्लू वॉल लिया और ऐसे क्रॉस ग्लू वॉल लगाया, ठीक है। आप लोग देखो मेरा क्रॉस, देखो मेरा कैसे क्रॉस किया, ऐसा लगा दिया और ये जो बंदा रश कर रहा था इसको मैंने आराम से टपका दिया, ठीक है। अब यहां पे देखो अगर मान के चलो कोई बंदा पीछे से मारा तो यहां पे आप लोग कवर ले सकते हो, या फिर यहां पे कवर ले सकते हो, या फिर यहां पे भी कवर ले सकते हो, ठीक है। तो ऐसा ट्रिक आपको ओपन ग्राउंड सिचुएशन में यूज करना है और दिखा देना पावर ऑफ स्केयर क्रो। एंड में बोनस ट्रिक मिस मत करना। लेकिन उससे पहले एक बंदा ने कमेंट किया था, कुछ छोटका भीम नाम का बंदा था, ठीक है। उसने कमेंट किया था कि भाई मुझे ना बीआर रैंक के लिए बेस्ट पैड चाहिए, तो मैं क्या यूज करूं, प्लीज बताओ ना स्केयर क्रो चाचा। अबे साले तुमने चाचा बोल दिया भाई, अब तो बोलना पड़ेगा ही तुमको। हां तो देखो बीआर रैंक के लिए बेस्ट पैड है क्रोनो। कुछ भी माफ करना ये क्या बोल दिया मैंने, ये तो कैरेक्टर है। रुक जाओ गाइस, अपनी अंदरूनी शक्ति का मैं स्किल यूज करता हूं गाइस, ठीक है। यस मिल गया गाइस, मिल गया। तो बेस्ट पेट है अपना बीनी पेट, क्योंकि इस क्लिप पे देखो गाइस, यहां पे जब मैं बीनी पेट लेके आया और मैंने टीममेट के साथ एक क्राउच कंपटीशन किया, तो देखो गाइस मैं सबसे ज्यादा स्पीड दौड़ रहा हूं गाइस, ठीक है। आप लोग देख रहे हो गाइस, वो नॉर्मल है गाइस, ठीक है। और मेरे पास है बीनी पेट। आप बीनी पेट का इस्तेमाल ये होती है कि गाइस अगर आप लोग कहीं भी बैठ के क्राउच करोगे आप लोग फटाफट से आगे निकल सकते हो, ठीक है, अपने टीममेट से या फिर एनिमी से भी निकल सकते हो, ठीक है। दौड़ते-दौड़ते आपका फुटस्टेप आ सकता है, लेकिन ऐसे अगर आप लोग क्राउच करोगे फास्ट तो बंदा को पता भी नहीं चलेगा साला कौन आया मेरे घर पे। अब बारी आती है हमारी आज की बोनस ट्रिक। तो गाइस आप लोग जब भी रैंक में जाते हो तब ना आप लोग दिमाग पे थोड़ा सा जोर डालना और सोचना क्या ये मैं गलती क्यों कर रहा था यार, मैं गलती क्यों कर रहा था हर बार, ठीक है। देखो इस घर पे बंदा है, ठीक है, छोटा सा घर में दो बंदा है, ठीक है। आप भी देखो जैसे मैं यहाँ पे मार रहा हूँ साला मुझे डैमेज देने लगा, तो मैंने क्या किया क्रोनो यूज करके ये घर के ऊपर जैसे गए, यहां पे क्या हुआ, यहां पे भी एक बंदा था गाइस, ठीक है। आप लोग देख रहे हो गाइस यहां पे बंदा था, तो हुआ क्या, मैं फटाफट से अपने रिफ्लेक्स करके इस जगह से गाइस अवॉइड किया जाने के लिए, और मैंने क्या किया यहां पे आया तो यहां पे भी एक बंदा ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो मैंने क्या किया यहां पे कैसे भी करके मेडिकेट एक मारा, ठीक है, एक दो मेडिकेट मार के ऊपर जैसे गए, यहां पे बंदा बैठा हुआ गाइस। अब यहां से मुझे पता चल चुका साला ये बंदा मुझे बहुत तंग करने वाला है, तो मैं क्या किया फटाफट से गाइस दूसरे जगह जाया और यहां से मेडिकेट मारने के बाद उसके पास गया, उसके बाद उसको मैंने खत्म कर दिया। तो ऐसे आपको करना है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इंडियास बिगेस्ट 100% रियल फ्री डायमंड ऐप का लिंक दिया है, तो जिसको भी फ्री का इलाइट पास फ्री डायमंड टॉप अप वगैरह चाहिए तो अभी कभी डाउनलोड कर सकते हो, इट्स टोटली फ्री, बस कॉइंस कलेक्ट करो लाइव स्ट्रीम देख के।